प्रयागराज में 10वीं के छात्र की पीट पीट कर हत्या करने का मामला सामने आया है। मृतक छात्र का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने बहन के साथ किए जा रहे छेड़खानी का विरोध किया था। बदमाशों ने स्कूल के बाहर घेरकर पटरे से तब तक वार किया जब तक छात्र की मौत नहीं हो गई। छात्र की हत्या का आरोप दूसरे समुदाय के लोगों पर लगा है। वारदात के बाद लोगों ने सड़क पर जमकर हंगामा किया। हत्याकांड के सभी आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने घटना में नामजद 2 आरोपियों समेत कुल 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा थानाध्यक्ष और चौकी इंचार्ज को पुलिस आयुक्त ने सस्पेंड कर दिया है। मृतक छात्र का नाम सत्यम शर्मा है। वह पुराडलू गांव का रहने वाला था। सत्यम परमानंद इंटर कॉलेज में 10वीं में पढ़ता था। उसके चाचा की बेटी भी इसी स्कूल में 10वीं में पढ़ती है। बहन ने बताया, सोमवार को स्कूल बंद होने पर हम दोनों घर जा रहे थे। जैसे ही तुर्कपुरवा मोहल्ले में पहुंचे कि तभी इसी गांव के और हमारे स्कूल में पढ़ने वाले गैर समुदाय के छात्रों ने हमारा हाथ पकड़ लिया। हमें खींचने का प्रयास करने लगे। बहन ने शोर मचाया तो सत्यम मंचलों से भिड़ गया। इस पर उन्होंने उस पर हमला बोल दिया। घेर कर पटरे से पीट पीट कर तब तक मारा जब तक कि वह बेसुध होकर जमीन पर गिर नहीं पड़ा। हमलावरों ने बीच सड़क पर घेर कर उसे पटरे से तब तक पीटा जब तक वो अधमरा नहीं हो गया। वो आधे घंटे सड़क पर तड़पता रहा। पास में जमीन पर बदहवास पड़ी बहन सभी से बचाने की मिन्नतें करती रही, लेकिन लोग तमाशबीन बनकर देखते रहे। इसके बाद हमलावर धमकी देते हुए भाग निकले। रास्ते में कोई बदतमीजी हुई तो पकड़ के ही चाहिए नहीं। हां आधे हमारी यहां चढ़ चोर लगने बाद टाइक हो दिया ही। हमारे भैया दौड़े तो मारी डाली नहीं। हां चाचा हां आई मोरे। घायल सत्यम आधे घंटे तक सड़क पर पड़ा रहा। इसके बाद किसी ने सूचना दी तो खीरी पुलिस पहुंची। हालत गंभीर देख परिजनों के पहुंचने से पहले ही छात्र को लेकर SRN के लिए रवाना हो गई। हालांकि वहां पहुंचने पर उसे मृत घोषित कर दिया गया। छात्र की मौत होने पर बड़ी संख्या में लोग आक्रोशित होकर खीरी चौराहे पर पहुंच गए। आक्रोशित लोगों ने चौराहे पर जाम लगा दिया। आरोपियों की गिरफ्तारी पर अड़ गए। मौके पर कई थानों की फोर्स पहुंच गई। ACP राजीव यादव सो ने ग्रामीणों को बहुत मनाने का प्रयास किया, लेकिन जाम देर रात तक नहीं खुला था। इंटर कॉलेज में बच्चों के बीच कुछ विवाद को लेकर झगड़ा हुआ, जिसको टीचर्स के द्वारा शांत कराया गया। उसके बाद स्कूल छूटने के बाद बाहर भी झगड़ा हुआ, जिसमें एक बच्चे की मृत्यु हो गई। इसमें परिजनों के द्वारा तहरीर दी गई, इस पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है तथा 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। यहाँ पर जो धरना प्रदर्शन चल रहा था उसको समाप्त कराया गया है। फिलहाल मौके पर शांति व्यवस्था कायम है।